व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं एक और एडवेंचरस और ठंडी गेम, ठीक है, क्योंकि इसमें आज हम लोग बनाएंगे आइस के जो स्नोबॉल होते हैं गाइस, वो बनाएंगे हम लोग। एक्चुअली स्नो के स्नोबॉल बनाएंगे, आइस के कैसे बना देंगे भाई। और इस गेम का नाम है गाइस स्नोबॉलर। तो रेडी हो जाइए थोड़ा सा स्नोबॉलिंग एक्शन के लिए। क्यों जॉब, क्या बोलता है भाई? ओके भाई, बहुत मजा आएगा। ये देखो मेरा बॉल, देखो भाई। अबे तू अपना छोड़, मेरा देख भाई। अरे बाप रे, ये किसका बॉल है? अरे अरे अरे, वो तो ढुलकाने ले जा रही है मैडम जी। खैर हटाओ मैडम जी को, अकेला छोड़ो। और यहाँ पर हमारे बॉल को देखो भाई, ये भी काफी बड़ा हो गया। नहीं चौप भाई, मेरे को देखो, मैं जिगजैग करके बॉल कलेक्ट कर रहा हूँ भाई। अरे वो छोड़ यार, अपन लोग सेल भी कर सकते हैं इसको। लेकिन गाइस रुको एक सेकंड, अरे ये क्या आ गया? ओ भाई, स्नो स्टॉर्म आ गई गाइस। स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है बर्फ का तूफान। और गाइस अब टाइम है अपने स्नो बॉल को बेचने का, इससे पहले कि बर्फ के तूफान में मेरा स्नो बॉल इतना बड़ा हो जाए कि मैं इसको घसका ही ना पाऊं। और ये क्या है, शॉप? व्हाट, यहाँ पे हम लोग चीजें खरीद भी सकते? किसी ने मेरे को बताया नहीं यार। चलो 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 गाइस, जल्दी से खरीदते हैं। ये क्या, बेसिक बूट्स? ओके, इट लुक्स लाइक कि गाइस इसको खरीदने से ना हम लोग यहाँ पर कुछ फायदे में रहेंगे। अब तो वेल वो फायदा बाद में ही पता चलेगा। वाओ, ये देखो, पहले मैं ना एक बार बस एक बर्फ कलेक्ट कर पा रहा था, बट बिकॉज हम लोगों ने बूट्स कलेक्ट कर लिए, आई मीन बूट्स खरीद लिए, हम लोग अब एक बार में दो बर्फ कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो गाइस इसका मतलब तो आप लोग जानते हो, अब हम लोग फुल स्पीड में यहाँ पे बर्फ ढुलकाएंगे। और ये क्या है, यू कैन रोल योर स्नोबॉल डाउन द स्लोप एंड डिस्ट्रॉय ऑब्स्टिकल्स टू अर्न मनी। यानी कि हम लोग ये जो स्लिपरी स्लोप देख रहे हो ना गाइस, इसके नीचे आप लोग अपना बॉल फेंक सकते हैं और उसको फेंक करके हम लोग चीजों को डिस्ट्रॉय करके पैसे कमा सकते हैं। यार मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा गाइस। तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग इसको मैक्स कर लेते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्नोबॉलिंग एक्शन। ऑलराइट, यहाँ पर रिलीज स्नोबॉल करने का है। चलो फटाफट से इसको दबाते एंड देखो भाई, फुल स्पीड में निकल चुके हैं। हट जाओ हमारे रास्ते से, जो भी सामने आएगा वो भाई बर्फ में मिल जाएगा। अरे बाय बाय बाय, अरे पेड़ तोड़ दिया। ओ भाई, ये तो था पावरफुल बर्फ का गोला, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये क्या पैसे? अरे पैसे मिल गए भाई, बहुत सारे पैसे मिल गए। ओ माय गॉड, अरे नहीं, इस पेड़ के बच्चे ने हमारा गेम बजा डाला। लेकिन गाइस 100 कॉइंस मिल गए। ओ भाई, ये तो बहुत ज्यादा कॉइंस यार, कंपेयर टू जो चीज हमें शॉप पे सेल करने मिलती थी ना, उसके मामले तो बहुत आगे भाई। और एक्चुअली हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है गाइस नेक्स्ट अपग्रेड खरीदने का। वेल डोंट वरी, क्योंकि आपका फ्रॉस्टी भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा भाई। हम लोग यहाँ पे बर्फ के गोले बनाते रहेंगे और उनको बड़ा करते जाएंगे, जब तक हम लोग कुछ ऐसा ना बना ले जिसको देख के गाइस आप लोगों के होश उड़ जाए। तो रेडी हो जाइए फटाफट से, वीडियो पर लाइक कर दीजिए यार अगर आपको बर्फ वाला एक्शन पसंद आ रहा है तो। और चैनल पे नए हो तो उस गर्माते हुए एकदम गरम गरम लाइक आई मीन सब्सक्राइब बटन को दबा देना। लाइक बटन तो ठंडा होता है भाई, लेकिन सब्सक्राइब बटन एकदम लाल होता है गाइस। तो इस बर्फ और आग के कॉम्बिनेशन को मेक श्योर करिएगा कि आप लोग दोनों को कंप्लीट कर दे। और अबे चलो भाई, इसको सेल करते हैं फटाफट से। एंड लुक एट दिस, देखा मैं सच बोल रहा था भाई, बहुत कम पैसा मिलते हैं यार। मतलब गाइस जितना एक्शन हम लोगों को ना यहाँ पर स्नो बॉलिंग करके मिलता है, उससे कम एक्शन उसको सेल करने मिलता है। वेल हु केयर्स, अब टाइम है गाइस वूल ग्लव्स खरीदने का। और ये देखो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ गया गाइस, हम लोग एक बार में ना अब 500 बर्फ इकट्ठा कर सकते हैं, कंपेयर टू पिछले बार जब हम लोग सिर्फ 100 ही कर पा रहे थे। इसको कहते हैं भाई एडवांसमेंट। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही चलता रहा ना भाई, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग इतना बड़ा बर्फ का गोला बना लेंगे, इतना बड़ा बर्फ का गोला बना लेंगे किसी ने सोची नहीं होगी। थारा भाई बवंडर ले आ गए, समझ गए? अरे तू बर्फीला बवंडर ले आ भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम लोगों को कोई रोकेगा नहीं, कोई सामने नहीं आएगा भाई हमारे। अरे अरे ये कौन है? ए भाई कुचलना चाहते हो क्या तुम अपने बर्फ के गोले से? साइड हटो भाई। अरे 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 अरे, मेरे ऊपर चढ़ा दिया यार। इस बंदे को कोई गाड़ी चलाने का लाइसेंस मत दे देना भाई, नहीं तो पता चला सबके ऊपर चढ़ाते हुए ले जा रहा है। एंड लुक एट दिस गाइस, बातों बातों में मेरा 500 वाला फिलअप होने ही वाला है। अब टाइम है इसको जाके थोड़ा सा टेस्ट करने का। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्लिपरी स्लोप पे ले जाऊंगा। चौप देख रहा है, देख रहा है भाई कितना बड़ा गोला है। अब देख तेरे को एक्शन दिखाता हूं मैं। बट भाई आप तो यार बहुत पावरफुल आदमी बन गए भाई। अरे तो पावरफुल तो बनूंगा ना छोरे, तेरे जैसा बैठ के पकौड़े थोड़ी खा रहा हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। कौन आएगा सामने भाई? अरे अरे कोई आ ही नहीं रहा है। और वैसे गाइस ये बॉम्ब बॉम्ब को टच नहीं करने का, ठीक है, नहीं तो फालतू में आपका स्नोबॉल ऐसे ही फूट जाएगा। और ये देखो जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स है ना, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ उनको टच करने की। अरे भाई मेरे को ये भी देखना है गाइस कि मैं फिनिश लाइन तक पहुंच पाता हूँ कि नहीं। लेकिन फिनिश लाइन तो बहुत दूर होगा भाई, इससे पहले कि गाइस हम लोग फिनिश लाइन पे पहुंच जाए मुझे लगता है हम लोगों का गेम ओवर हो सकता है। तो ध्यान से जाना पड़ेगा दोस्तों। अरे नहीं, ये आग कहां से आ गई? ओ भाई बीच बीच में आग भी आ गई है। ओ बर्फ के स्पाइक्स भाई, बहुत सारी डेंजरस चीजें आ रही है यार अब हमारे रास्ते में। चलो इन पैसों को भी कलेक्ट कर लेते हैं। हियर वी गो गाइस, मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम लोग इनको डॉच करते हुए जाएंगे क्योंकि अभी अपन लोग के पास इतना पावर नहीं है कि हर चीज को स्मैश करते हुए जाए, समझ रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा गाइस जब मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा। ना ना ना, हम लोग इतना बड़ा स्नोबॉल बनाएंगे कि इसको देख के सबके होश उड़ जाएंगे। अरे ये क्या हुआ भाई, मेरा पूरा स्नोबॉल पिघला डाला। अरे लेकिन बहुत कॉइन मिल गए भाई, 351 कॉइंस। ओ माय गॉड, इतने सारे कॉइंस का क्या करूंगा मैं गाइस। चलो फटाफट से इसे खरीदते हैं अपने सांता बूट्स। ए सांता क्लॉस, तुम्हारा जूता चुरा लिया ब्रो, अब अपन लोग तुम्हारे जूते के साथ यहाँ पे स्नोबॉल बनाएंगे।
चलो गाइस एक काम करता हूँ ना, मेरे को आप लोग 2 मिनट दो, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, उसके बाद हम लोग आपको अपनी पावर का एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ठीक है? तो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो काफी समय गुजर चुका है और आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारे पास भी बहुत सारी चेंज ऑब्जेक्ट आ चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, पहली चीज हमारा बर्फ का जो साइज है वो मैंने 500 से 1500 कर डाला, मतलब सीधा ट्रिपल ही बढ़ा दिया गाइस। और तो और हम लोगों के पीछे जो आपको शवल दिखाई दे रहा है ये भी हम लोगों ने खरीद लिया, और वो भी लाल कलर का शवल खरीदा है। एंड ऑल्सो गाइज हमारे पास 837 कॉइन्स हो चुके हैं, जो कि हम लोगों को यार फर्दर अपग्रेड करने में और भी ज्यादा मदद करने वाले हैं। और भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज कि ये जो 1500 स्नोबॉल के पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको रियल लाइफ में क्या दे सकते हैं। तो भाई मैं भी बहुत प्रो हो गया, रुको मैं अभी आपको पावर दिखाता हूँ अपने। अरे जो जब तक तुम आओगे तब तक तो मैं गेम बजा डालूंगा भाई। तो भाई एक सेकंड रुको, मैं इन्वेंटरी में चेक करो मेरे पास कुछ औसम है कि नहीं भाई। अरे दोस्त तुमने तो स्नोबॉल बनाना भी शुरू कर दिया, चलो चलो तुम अपना बनाओ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसको बेचने पे क्या मिलता है। एंड एज यू कैन सी बहुत सारे कॉइन्स, ऑलमोस्ट 600 कॉइन्स मिले भाई, लेकिन स्टिल इट्स लेस कंपेयर टू भाई जो पैसा हमें मिलता अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करते। और ये देखो ये गोल्डन शवल चाहिए गाइस मेरे को, लेकिन इसके लिए अभी भी मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। तो काम करते हैं हम लोग यहाँ पर दोबारा से ना अपना स्नोबॉल बनाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उसके साथ थोड़ा एक्शन करके उन पैसों से हम लोग यहाँ पर इस गोल्डन शवल को भी खरीद लेंगे गाइस। और आप लोग देख सकते हो अभी ना मैं बहुत पावरफुल भी हो गया भाई। बाय द वे हम लोगों को जितना टाइम पहले लगता था स्नो को कलेक्ट करने के लिए अब उससे भी कम लगता है, क्योंकि एक सेकंड में मैं 4 से भी ज्यादा स्नो कलेक्ट करता हूँ गाइस। पहले तो हम लोग 1 कर रहे थे, उसके बाद 2 पे आया, अब हम लोग 4 पे आ गए। एंड हु नोज अगर ऐसे ही अपग्रेड करते हुए चले गए तो वो दिन दूर नहीं है भाई जब 1 सेकंड में 1000 स्नो कलेक्ट कर लेंगे अपन लोग। ऑलराइट गाइस चॉप भी यहाँ पे खड़ा है और टाइम है अब हम लोग भी अपने स्नोबॉल को एक्शन में ले जाए। ओके ओके हड़ो साहब जैसे भाई साहब ये देख रहा हूँ पेड़ वेड़ कुछ है ही नहीं अपन के लिए भाई, हम लोगों का बॉल कितना बड़ा है। अरे 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 भाई 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 स्नोमैन भैया तुमने गलती कर दी, लेकिन हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए था तुमको। आओ भाई जो भी आएगा हमारे रास्ते में वो मिट्टी में मिल जाएगा या फिर बर्फ बोल सकते हो आप दोस्तों, क्योंकि बर्फ है यहाँ पर। अरे भाई इतने सारे पेड़ है, इतनी सारी चीजें है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है सबको अवॉइड करना, लेकिन फिर भी मैं जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वाली चीजें उनको ही डिस्ट्रॉय करूंगा गाइस। डोंट वरी, जैसे ये देखो ये गिफ्ट आपको मिलते हैं, ये पैसों की झोली, ये बोड़ी, जो भी मिले ना अच्छी अच्छी चीजों को डिस्ट्रॉय करो तो फायदे में रहोगे। और हम लोगों का करंट स्कोर देख रहे हो गाइस 2500 से भी ऊपर जा चुका है। एंड इफ आई रिमेंबर हम लोग बहुत जल्दी अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड स्मैश करने वाले हैं, आई मीन पर्सनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे ही स्मैश कर दूंगा। और ये देखो गाइस कितना आगे आगे भाई अपन लोग, मेरे को याद भी नहीं मैं इतना आगे आया था कि नहीं पहले। और अगर मैंने यार आप लोगों को बताया हो या नहीं बताया मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि राइट साइड में एक बोनस मीटर यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इसको यार बार बार फुल करते रहोगे ना तो इससे क्या होगा गाइस कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके। लेकिन अफसोस अगर आप जल्दी जल्दी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो ये जो बोनस मीटर है ये भी नीचे जाना शुरू कर देगा। इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी चीजों को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाऊँ, ताकि देखो देखो ये बोनस मीटर फिर से नीचे आने लग गया ना गाइस, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई ये काफी डिफिकल्ट यहाँ पर अपने बोनस मीटर को हर समय टॉप पे रखने का। बट डोंट यू वरी क्योंकि आपका फ्रॉस्टी भाई बहुत ही ट्रेंड आदमी और हम लोगों ने कोशिश करके इसको जितना हाई रख सकता था रखे, और 1704 कॉइंस, आर यू किडिंग मी भाई, इसका तो एक तिहाई पैसा भी नहीं मिलता है भाई जब हम लोग बेचने जाते हैं तो। बट दिस इज अमेजिंग गाइस, क्योंकि आई कैन बाय व्हाट आई वांट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। एंड एज यू गाइस कैन सी हम लोग यहाँ पे एल्फ बूट तो खरीद ही सकते हैं, अपग्रेडेड शवल भी खरीद सकते हैं, और भाई पैसे ही पैसे है भाई, दो ऑब्जेक्ट मैंने एक साथ खरीद लिए और अब बस दो ही चीजें और अपग्रेड करनी बाकी है, उसके बाद हम लोग मैक्स लेवल हो जाएंगे भाई। तो इसीलिए 2000 कॉइंस चाहिए मेरे को और 5000 गोल्ड कॉइंस चाहिए, तो इसको लगा इस टोटल 7000 गोल्ड कॉइंस के साथ हम लोग कर जाएंगे इस गेम में टॉप लेवल प्लेयर का टैग अचीव। तो चॉप कैसा लग रहा है अपने सबसे बड़े कंपेटिटर से मिल करके? तो भाई सच बोलूं तो मैं भी बहुत आगे आ रहा हूं भाई, आपको पीछे कर ही दूंगा देख लेना। अरे दोस्त लेकिन तुम्हारे इन स्लो एक्शंस की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्थिति में फंस चुके हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है भाई हमें हराना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। बट स्टिल हम लोगों को चैलेंज किया, इसके लिए दांत देना पड़ेगा भाई। बट आई एम सो सॉरी दोस्त, लेकिन ये वो जगह आ चुकी है जहां पर तुम हमें अलविदा बोल करके घर जाते हो, और घर का रास्ता तो याद है ना? तो भाई नहीं भाई रिक्शा करके चले जाऊंगा, लेकिन इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी। अरे ठीक है भाई तुम एक काम करो भाई, तुम अपना बर्फ ढुलकाओ ठीक है। और ये क्या, यू अनलॉक्ड अ न्यू जोन कैंप साइट, व्हाट? ओ अच्छा हां मैं भूल ही गया था गाइस, हम लोग तो यहां पर यार जैसे जैसे बर्फ कलेक्ट करते हैं ना हम लोग नए नए जोन्स को अनलॉक करते हो। ये जो जोन में जिसमें अभी मैंने एंटर किया इसका नाम है येटीज ग्रोव, ये भी अनलॉक होता है जब आप लोग 1000 स्नो कलेक्ट करते हो। और अब टाइम है देखने का कि जो थर्ड लेवल वो आखिर में है क्या, और कहां पे है भाई ये थर्ड लेवल, मेरे को दिख नहीं रहा है गाइस। यहां पे जहां पे देख रहा हूं मैं बस देखो बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। कम ऑन वेयर इज इट, भाई थोड़ा और ऊपर जाओ भाई। अरे अच्छा उधर क्या, अरे भाई उधर तो कितना बड़ा विलेज है गाइस। ओ माय गॉड आई कांट बिलीव ऑन माय आईज व्हाट आई एम सीइंग, इतने सारे लोग यहां पर, आई मीन इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है यहां पर, इतना बड़ा बड़ा विलेज। अरे भाई मेरे को सीरियसली यार थोड़ा ऊपर आना चाहिए था गाइस, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इन विलेजर्स को अंडर एस्टिमेट करके। वेल वरी नॉट, क्योंकि हम लोग यहां पर ऐसे भी आ ही गए। ये किसका घर है भाई, हेलो कौन है भाई यहां पे, कोई कोई महान आदमी रहता है क्या? अरे नहीं यार ये सो रहा है भाई, छोड़ दो इसको अकेले सोने देते हैं भाई।
और हम लोग चलते हैं अपना नया वाला एरिया देखने। और गाइज मेरा जो देखो टोटल अपर लोग का ना जो 4000 लिमिट है वो भी अटेन करने वाले हम लोग। मैंने अपना स्नोबॉल का लिमिट भी बढ़ा दिया गाइज, इसीलिए अब हम लोग का स्नोबॉल इतना ज्यादा विशाल हो चुका है कम्पेयर टू पहले के। एंड आई नो कि आप लोग सोच रहे हो कि फ्रॉस्टी भाई इतना पावरफुल स्नोबॉल लेके अगर आपने गलती से चौप के ऊपर मार दिया तो वो बेचारा तो राख में मिल जाएगा। वेल वरी नॉट गाइज, क्योंकि हम लोग वैसे भी यहाँ पर एक खोलने आए हैं तो आई थिंक चौप थोड़ी देर के लिए तो सेफ रहेगा ही। यू गॉट अ पोलर बियर? अरे भाई पोलर बियर मिल गया, अरे वाह मेरा नया पेट भाई, बहुत ही क्यूट लग रहा है मेरे को। गाइज जल्दी से इक्विप करने दो और देखते हैं इसकी पावर। और राइट देवियो और सज्जनों, अब टाइम आ चुका है हम लोग अपने इस क्यूट से पेट को ले जाए एक एडवेंचर पे, क्योंकि ये एडवेंचर है फ्रॉस्टी भाई और चौप द नल्ले का एडवेंचर। भाई मेरे को डिस्क में मार दिया भाई बिना मतलब का, ये सही है भाई तो पहले ये कर लो फ्रॉस्टी भाई। अरे दोस्त तुम इतना फेट काय को हो रहे हो फालतू में यार, छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है ऐसे बड़े बड़े स्नो के मैप्स में। अरे भाई ये कितना बड़ा इलाका है डैम। गाइस लुक एट दिस, यहां पे तो बहुत सारा कैंडी है, चौप को ये जगह बहुत पसंद आएगी। अबे जल्दी मेहनत करके यहां पे पहुंच जा ब्रो। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो चुका है हमारा आज का एडवेंचर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना जरूर से, मैंने ऑलरेडी बोला है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो यार, व्हाट्सएप चलाते हो यार, एक दूसरे को शेयर मारो वीडियो पसंद आ रही है तो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक कर देना दोस्त, 50,000 लाइक का एम रखते हैं। स्टे फ्रॉस्टी।